आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई आपका सैलरी कितना है। मेरा सैलरी भाई देख रहे हो ऊपर वो वाला पाइप टूट गया जो भी दिखाते हैं आप लोगों को। जंगल है देख रहे हो दोस्तों, मतलब जंगल में पूरा बसा हुआ है गांव। जय जोहार, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय हम गोविंदपुर के टाटा शोरूम के पास में खड़े हैं दोस्तों। जैसे कि ये देख सकते हो मेन हाईवे कलकत्ता हाईवे रोड है जो कि भाई अपनी गाड़ी को लगा रखे हैं सामने में। और पार्टी वाले को भी भाई कॉल किए हैं तो बोल रहा था भाई कि अभी लोकेशन भेजते हैं उसके बाद में आप आना ऐसे कह के, तो मैं यहीं पर साइड में लगा दिया। और गोविंदपुर से मैं 8 से 9 किलोमीटर पीछे हूँ, यहाँ से अभी निकलेंगे भाई, मतलब लोकेशन भेजेगा उसके बाद में निकलेंगे। तो जब तक भाई यहीं पर ही वेट कर रहे हैं, शीशा उसा साफ़ कर लेते हैं फिर उसके बाद में निकलते हैं, देखते हैं कौन सी जगह में अपनी गाड़ी खाली होती है। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा भाई कि अपना एक और जो पाइप था ना वो वाला पाइप देख रहे हो ऊपर में वो वाला पाइप टूट गया जो कि दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो एक पाइप मात्र टूट गया है भाई, अब उसको भी देखते हैं भाई भाड़ से काटेगा कि किससे करेगा वो सब, अब भाई वहाँ पर जाने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अब देखते हैं जैसे भी है ना, अभी देखते हैं दोस्तों लोकेशन वोकेशन आता है तो भाई फिर उसके बाद में निकलेंगे गाड़ी न लेके। तो पहले शीशा उसा साफ कर लेते हैं फिर उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो शीशा साफ कर लेते हैं दोस्तों। तो चलते भाई, लोकेशन अपने पास आ चुका है तो निकलते हैं। और अंदर भी हमने साफ़ सफाई कर ली यहाँ पर, जो कि मैं अलग अलग कपड़े रखता हूँ, ये शीशा पोछने के लिए और ये अपना नीचे साफ़ करने के लिए पैरादान है ना। थोड़े थोड़े दाने दाने दिख रहे होंगे यार, देख रहे हो ये वाला मार के स्प्रे साफ़ करना था। चलो लेकिन वहाँ पर जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर साफ़ कर लेंगे, ठीक है। तो निकलते हैं अभी यहाँ से भाई। पूरी धूल जम जाती है दोस्तों, दिन भर गाड़ी चलाओ है ना। तो निकलते हैं भाई, लोकेशन यहाँ आ चुका है, यहाँ से मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के आसपास में होगा मेरे ख्याल से भाई। देखते हैं जैसा अभी 8 किलोमीटर यहाँ से, तो अभी गोविंदपुर ही बचा हुआ है, तो निकलते हैं अभी। तो मैं निकल चुका हूँ भाई 60 के स्पीड में, जो कि देख सकते हो आप लोग ये वाला एम्पीरियम है, मतलब किलोमीटर है वही आरपीएम है। कंटिन्यू ब्लॉक पर बने रहो भाई, आपका गाड़ी भाई आपका भाई गाड़ी भगाते जा रहा है फटाफट। यहाँ से 30 किलोमीटर है दोस्तों, हमने लोकेशन में देखा है 30 किलोमीटर दिखा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक घंटे का रास्ता है अपना, बस वहाँ पर खाली करके फिर निकलेंगे सीधा रायपुर के लिए। जैसा भी है देखते हैं पहले, ठीक है। खाली कितने में तक होती है पहले बात होगी, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये है भाई मेन नेशनल हाईवे कोलकाता टू दिल्ली वाला रोड, समझे। तो दोस्तों मुड़ चुके हैं भाई हम राइट साइड और यही है गोविंदपुर जो कि भाई पार कर रहे हैं। आगे से भी रास्ता था लेकिन वो वाला ब्लॉक है तो इसमें घुसाना पड़ा हमको। तो यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, 25 से 20 किलोमीटर की दूरी है और कुछ नहीं। बढ़ाना भाई बाइक वाले, 5-5 लोग बैठे हुए, 4-4 लोग बैठे हुए हो। ग्रीटिंग क्या मांच जमई कोडरमा देवघर भागलपुर। और इस एरिया में दोस्तों इतना ज़्यादा हॉर्न पोल्यूशन है ना भाई, पूछो मत यार, हालत ख़राब कर देते हैं लोग। टुंडी ये देखो लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ से 20 किलोमीटर बचा हुआ है दोस्तों, तो यहीं कहीं आसपास से मुड़ना है दोस्तों, हमको इस रोड में मुड़ना है भाई।
तो देख सकते हो दोस्तों, आधा अधूरा रोड है भाई, ये रोड बन रहा है मेरे ख्याल से, प्रॉब्लम है थोड़ी सी बस, और बाकी तो भाई चला ही रहे हैं। रोड अभी काम चल रहा है, पूछे थे तो। रुक जा यार, थोड़ा सा इन लोगों को शहर साथ नहीं होता है, देख रहे हो कहाँ डाल रहा है, थोड़ा सा भी रुक नहीं सकते भाई ये लोग। तो ये देख सकते हो दोस्तों, रास्ता भी इधर का बन रहा है भाई, क्या करें। कहाँ तक खराब है कोई पता नहीं है इसका भी, मेरे को तो लग रहा है पूरा ही खराब है। लगता है दोस्तों पूरा रास्ता ऐसा ही है भाई, है ना। खैर ठीक ही है एक हिसाब से, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, है ना, नहीं तो गड्ढे गुड्ढे रहता तो और ज़्यादा टाइम लग जाता भाई। तो पहुंच गए लेकिन फिक्स जगह पे नहीं पहुंचे, यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है, आगे वाला ही गांव है, वहीं पे बगल में नाश्ता का दुकान है। और रोड देख सकते हो भाई, पूरा कंक्रीट मतलब पीछा हुआ ऐसे ही। तो यहाँ पर है नाश्ते का दुकान, कर लेते हैं फिर निकलते हैं। तेल अभी गर्म होने में टाइम लगेगा लग रहा थोड़ा। दे दीजिए ना हमको ये पकौड़ी। और चटनी उट्टी बनाए तो थोड़ा फिटने पड़ेगा। क्या चीज बना चटनी में? चटनी नहीं है तो दीजिए ना, हो जाएगा तुरंत। तो ये आ चुका है दोस्तों अपना गर्मा गर्म नाश्ता, जो कि है पकौड़ी। हो गया भाई अपना नाश्ता पानी, अब चलते हैं यहाँ से, मुड़ना है यार, पता नहीं गांव वाला एरिया है भाई, पाइप हाइट भी है, पकड़ ना ले, डर लग रहा है ना। इधर पूरा जंगल है देख रहे हो दोस्तों, मतलब जंगल में पूरा बसा हुआ है गांव। पट्टे सब तो टाइट है, टाइट है, टाइट है, ये भी टाइट है। कॉल करते हैं भाई पार्टी वाले को यार, सामने में तो गांव है। तो दोस्तों पहुंच चुके भाई, यहीं पर ही गाड़ी खाली होगी अपनी, जो कि देख सकते हो इस एरिया में। तो अभी जगह होगा खाली कर रहे हैं दोस्तों लोग, ये देखो तो भाई खाली होना चालू हो गई, हम लोग पट्टा उट्टा कस लेते हैं, ये देखो अपना पट्टे। हो गया भाई चालू, बस थोड़ा ही घंटा लगेगा, हो जाएगा अपनी गाड़ी खाली। तो देख सकते हो दोस्तों खाली उली करके तो भाई हम निकल चुके हैं, लेकिन सीधा सीधा आ गए क्योंकि उधर मोड़ के फिर जाना पड़ता, तो ये वाला पुलिया अभी टूटा हुआ है इधर, देख सकते हो जो वाला, ये सामने वाला, तो इसके वजह से खेत खार होते हुए जा रहे हैं भाई, क्या करें, देख रहे हो ना। भाई साहब और खोद खोद के लोग ऐसी का तैसी कर दिए रोड पर, तेरी की यहाँ से चढ़ जाएगी यार अपनी गाड़ी।
आराम से चढ़ेगी यार हंस के। ये और यहाँ से और चढ़ जा चढ़ जा, चढ़ गई। बस अब आगे में हाईवे रोड मिल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल गया अपने को गोविंदपुर वाला हाईवे रोड दोस्तों, और ये जाता है पीछे, इधर जाएंगे तो जाम तड़ा जाएगा और सीधा अपन निकल जाएंगे इधर गोविंदपुर धनबाद। ठीक है, प्लेन रोड है भाई पूरा, देख रहे हो मस्त। दोस्तों गोविंदपुर पहुंचने से पहले ही हमको रुकना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है नहीं यार, बेकार है पानी। क्योंकि दोस्तों सेठ बोला है भाई रुक जाना ऐसे कह के, तो रुकना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं कहीं होटल पे रुकते हैं दोस्तों। तो कुछ दूर चलते ही दोस्तों हमको मिल चुका है भाई यहाँ पर ढाबा, शिव लटनी ढाबा, यहीं पे खाते हैं खाना है ना। साहेबगंज तो नहाने का जगह तो मिल चुका है दोस्तों, जो कि भाई देख सकते हो गाड़ी को बाहर में मतलब रोड पे खड़ा किए हैं, और यहाँ पर नहाने के लिए बोल रहे थे भाई, हाँ नहा के खाना खा लेना ऐसे कह के, चाय पी के मत भाग जाना, क्योंकि कुछ ड्राइवर है जो कि भाई नहाते धोते कपड़ा वपड़ा धोते उसके बाद भाग जाते हैं, तो इन लोगों को भाई प्रॉब्लम होती है भाई है ना, पानी भरना उसका भी बिजली आता है भाई फलाना नहीं जो भी है, इसके वजह से बोल रहे थे भाई खाना वाना खा के जाना ऐसे। मैं बोला भाई हमारा वैसा काम नहीं है, दिन के करीब 12-1 बज रहे हैं, तो नहाएंगे धोएंगे उसके बाद आराम से खाना वाना खाएंगे ऐसे कह के बोला हूँ। ठीक है, तो चलते पहले नहा लेते हैं दोस्तों। तो हो गया दोस्तों अपना नहाना धोना भाई, चलते भाई खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में निकलेंगे दोस्तों है ना। निकलेंगे क्या, यहीं पर आराम करेंगे कहीं पेड़ के छाया में लगा के दोस्तों। ठीक है, तो चलते पहले खाना वाना खा लेते हैं। तो ये आ चुका है दोस्तों अपना सादा खाना, जो कि है दाल आलू का भुजिया और आलू पालक और हरी चटनी, और चटनी की चीज़ की मेरे को पता नहीं, और पापड़ और प्याज। ठीक है भाई, खा लेते हैं, दाल में डालते हैं भाई चावल के ऊपर और दबा के खाते हैं भाई खाना, फिर आराम आराम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों खाना वाना खा के आ चुके हैं भाई, होटल भी बगल ही में था जो कि देख सकते हो इधर, तो यही पेड़ का छाया भी था बढ़िया, और आगे में तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है, इसके वजह से हमने यहाँ पर रोक लिया जो कि देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, गाड़ी को भी छाया में लगा कर रखे हुए। तो दोस्तों आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई आपका सैलरी कितना है, तो मेरा सैलरी भाई ज़्यादा नहीं 10,000 रुपया है, और बाकी का जो गाड़ी में मेंटेनेंस हो जाता है अपना खर्चा जो देते हैं रांची का 3500 रुपया, 1000-1500 रुपये उसमें खर्चा होता है, 2000 रुपये बच जाते हैं फ्री पे उसमें, ऐसा टाइप का कुछ कहानी है ना। और बाकी का तो भाई इधर आए हैं क्या नाम है इसका धनबाद साइड, तो यहाँ का देगा 4000 रुपया, जिसमें से कम 1500-2000 रुपये तो ख़त्म हो ही जाने खाना पीना में, बस ऐसा टाइप का कुछ है। तो आप लोगों का कमेंट था भाई बहुत ही, इसकी वजह से हमने भी बोला भाई जवाब दे देते हैं, अभी देखते हैं भाई सेठ का कॉल आएगा फिर उसके बाद में निकलेंगे, और जब तक तो यहीं पर ही आराम आराम करते हैं, क्या करें खाना वाना तो हो ही गया। तो शाम के 5 बजे भाई पानी इतना ज़्यादा गिरना चालू हो गया ना भाई, पूछो मत, ये देखो अलग टाइप का मौसम बन गया भाई, इधर आ जा तू, सीट भी गिल्ली हो रही है देख रहे हो दोस्तों। और हम तो भाई गाड़ी में ही बैठे हुए हैं सेठ का कॉल का इंतज़ार करते हुए, क्या करें ना उनका कॉल आ रहा है ना मैसेज आ रहा है ना कुछ नहीं आ रहा है, तो यहीं पर ही रुके हुए हैं दोस्तों, और पानी भी गिरना चालू हो गया, तो भाई अब देखते हैं कितने बजे तक क्या बताता है, कौन सा प्लान कहाँ का प्लान बताता है भाई है ना।
देख रहे हो कितना भारी मात्रा में पानी आया है। देखो इधर से देखते हैं, ये देखो व्यू चेक कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक वाला है जो कि देख रहे हो। बहुत पानी गिरा भाई, बहुत ही ज़्यादा, उसके बाद में भाई कम हुआ है। मौसम बहुत ही मस्त वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, कॉल उला तो आ नहीं रहा भाई सेठ का, क्या करें। चल चुके हैं दोस्तों, कोई माल उल नहीं मिला, तो बोलता है भाई सेठ आ जाओ, कोई वहाँ पर माल उल नहीं है। मैं बोला ठीक है भैया, निकल जाता हूँ। तो अभी निकल चुके हैं दोस्तों, अब चलते हैं भाई सीधा रायपुर। ठीक है, शाम का व्यू देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। पानी भी गिरा है, बरसात हुई है, इतना मस्त लग रहा है ना भाई, पूछो मत भाई। यहाँ से गोविंदपुर ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से होगा भाई 15 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, तो दोस्तों धनबाद सिटी पार कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हो भाई। तो धनबाद सिटी से दोस्तों निकल चुका है आप लोगों का भाई। तो दोस्तों और आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, टाटा, बाय बाय।